आज हम डिस्कस करेंगे कि छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में जनजातीय विद्रोह से कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, अनसॉल्व्ड पेपर में बहुत सारे प्रश्न दिए होंगे, ठीक, उनमें से कुछ विशेष पैटर्न वाले प्रश्न ले रहा हूँ क्योंकि कुछ प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ा चुका हूँ, ठीक, क्लास में पढ़ा चुका हूँ कि यहाँ से जो प्रमुखतः प्रश्न आता है, यदि 100 प्रश्न बात करेंगे तो लगभग 75% मतलब 75 नंबर तक का या 75 प्रश्न कहा जाए तो जनजातीय विद्रोह का नाम एवं वर्ष एवं उनके नेता, यही से मैक्सिमम प्रश्न बनते हैं। 10% प्रश्न इनके शासकों आसपास शासकों से बनेगा, ठीक है, और उसके बाद देखा जाए तो 2-4 प्रश्न रहते हैं जो इधर उधर से आते रहते हैं शब्दावलियों से। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं फिर इनके बारे में, बिना देर किए शुरुआत करते हैं प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, इस राज्य में हुए आदिवासी विद्रोह को कालक्रम के अनुसार संयोजित कीजिए। ठीक है, तो हम लोग कौन से क्रम में पढ़े हैं एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, हलबा विद्रोह कब हुआ है, तो ये हुआ है 1774 ईस्वी में शुरू हुआ है और 1777 में समाप्त हुआ। ठीक, दूसरा विद्रोह है परलकोट का विद्रोह, ये विद्रोह हुआ है 1824 से 1825 के दौरान। तीसरा हो जाएंगे आपका तारापुर विद्रोह, इसका अवधि है 1842 से लेकर 1854 तक। चौथा हो जाएंगे मेड़िया विद्रोह, इसका अवधि है 1842 से लेकर 1863 तक। मेन इन दोनों में ही ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद और विद्रोह हैं उनको मैं छोड़ दे रहा हूँ। इसमें याद रखना, ये व्यापम में जो प्रश्न पूछा है इनमें सीक्वेंस क्या लिया है, तो सीक्वेंस में देखा जाए तो पहला लिया है आपके तारापुर विद्रोह को, ठीक है, उसके बाद लिया है मेड़िया विद्रोह को, उसके बाद लिया है आपका मुड़िया विद्रोह को, और उसके बाद लिया है भूमकाल को। ठीक है, तो इन दोनों में कन्फ्यूज़न है, बाकी आप देखेंगे। ठीक है, ये सब में कोई नहीं। उसके बाद जाएंगे पांचवां पर लिंगागिरी विद्रोह। ठीक, लिंगागिरी विद्रोह कब हुआ है, तो ये 1856 में हुआ है। छठवां नंबर पर देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा कोई विद्रोह, 1859 में हुआ है। ठीक है, उसके बाद सातवें नंबर पर हो जाएंगे मुरिया या मुरिया विद्रोह, ये हुआ है आपका 1876 में। और आठवां है भूमकाल विद्रोह। ठीक है, भूमकाल विद्रोह ये हुआ है आपका 1910 में। तो बाकी सब में डेट एकदम क्लियर है, आपको समझना है तारापुर और मेड़िया विद्रोह को। तारापुर विद्रोह 1842 से 1854 तक चला, जबकि मेड़िया विद्रोह 1842 से 1863 चला। इस आधार पर व्यापम इसको पहले मानता है और मेड़िया को बाद मानता है। ठीक, इसी आधार पर इसको व्यवस्थित किया उसने। ठीक है, बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। 1774 में हलबा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था, तो हलबा विद्रोह बस्तर नामक स्थान पर हुआ था। शासक अजमेर सिंह और उसके भाई दरियादेव के मध्य उत्तराधिकार को लेकर हुआ था। ठीक है, थर्ड प्रश्न है, कौन सा विद्रोह चालुक्य या काकती वंश के पतन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, कौन सा विद्रोह चालुक्य वंश के पतन के लिए उत्तरदायी है, तो इसका आंसर हो जाएगा हलबा विद्रोह। ठीक है, हलबा विद्रोह के पश्चात देखेंगे तो अजमेर सिंह पराजित हुआ, इसका मृत्यु हो गया। उसके बाद इसका भाई दरियादेव शासक बना और दरियादेव ने ब्रिटिश हो गया, जयपुर के शासक हो गए और मराठों, इन तीनों के सहयोग से हलबा विद्रोह को विजित करने या दमन करने में सफल हुआ था। ठीक है, बदले में उसके बाद शासकों ने कुछ क्षेत्र लिया। इसके लिए कोटपाट की संधि हुई थी, हम लोग पढ़ चुके हैं, और कोटपाट की संधि ने तो पूरी तरीके से बस्तर को बेच डाला। ठीक है, कुछ भाग को जयपुर के शासक ने लिया, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद समूचे बस्तर क्षेत्र को मराठों ने ले लिया और मराठों ने एक निश्चित टकोली पर किराए पर इन शासकों को दे दिया। ठीक है, तो यही से याद रखना चालुक्य वंश या काकती वंश का पतन का प्रमुखतः कारण रहा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हलबा विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ है, तो 1774 में शुरू हुआ है और 1777 में समाप्त हुआ, रखना। ठीक है जी, पांचवा है, परलकोट के जमींदार की पदवी क्या थी, तो परलकोट के जमींदार की पदवी थी भूमिया, मतलब परलकोट के जमींदार भूमिया राजा थे। ठीक है, भूमिया राजा थे याद रखना। जब
अन्नमदेव ने अटैक किया अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, तो इन्होंने बिना युद्ध किए उनके साथ शहर शामिल होने को तैयार हो गए। इस कारण उन्होंने राजा के स्थान पर उन्हें जमींदारी पद दिया, बाकी उनके नीति वगैरह में हस्तक्षेप नहीं किया, बस वो काकती के अधीन आ गया, लेकिन वो एक जमींदार के रूप में हो गए। तो इनकी दो उपाधि याद रखना, एक भूमिहार राजा, दूसरा जमींदार हो जाएंगे, ठीक है, भूमिहार इसका आंसर है। नेक्स्ट छठवां है, छत्तीसगढ़ स्थित परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने पर निम्नलिखित में से किस तिथि को फांसी दी गई, तो हम लोग पढ़ चुके हैं 20 जनवरी 1825 को फांसी दिया गया। परलकोट विद्रोह की अवधि कब है, तो 1824 से लेकर 1825 तक, इनको फांसी देने के बाद ये विद्रोह लगभग समाप्त हो गया, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बस्तर की परलकोट के किस जमींदार ने 1824 में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया था, नेतृत्वकर्ता से प्रश्न आ गया, तो कौन है वो व्यक्ति, गेंद सिंह, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में परलकोट विद्रोह कब शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 1824 में, और कब समाप्त हुआ, तो 20 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को फांसी देने के बाद समाप्त हो गया, ठीक है। नवा प्रश्न है, वर्ष 1825 में विदेशी शासन के आक्रमण के विरुद्ध अबुझ माड़ियों द्वारा इनमें से कौन सा विद्रोह हुआ था, ठीक है, अबुझ माड़ियों द्वारा कौन सा विद्रोह हुआ था, तो परलकोट के विद्रोह हम लोग पढ़ चुके हैं कि परलकोट विद्रोह गेंद सिंह के नेतृत्व में 1824 में प्रारंभ हुआ था। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो इसका प्रमुख उद्देश्य था अबुझ माड़ियों को मराठों और ब्रिटिशर्स के शोषण से बचाना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर चुके हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 10वां नंबर, मारिया विद्रोह कब शुरू हुआ था, ठीक है, ये शुरू हुआ था 1842 में, ठीक बन जाएंगे, और समाप्त कब हुआ है, तो 1863 में समाप्त हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, कोई विद्रोह किस वर्ष में हुआ, तो कोई विद्रोह हुआ है 1859 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, इस राज्य में प्रथम मुरिया विद्रोह कब हुआ था, तो एक हिट हुआ है, कब हुआ है, तो 1876 में, ठीक है, ध्यान रखना माड़िया विद्रोह नहीं है, वो मेड़िया विद्रोह है, ठीक है, मेड़िया विद्रोह हुआ था 1842 में, और याद रखना मुड़िया विद्रोह है, मुड़िया विद्रोह हुआ है 1876 में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मुड़िया विद्रोह किस वर्ष हुआ है, तो 1876 में हुआ है, ठीक। 1876 ईस्वी में विद्रोह में बस्तर की जनजाति के मुख्य रूप से भाग लिया था, ठीक है, तो ये मुरिया समुदाय के लोग भाग लिए थे, इसी आधार पर उस विद्रोह को मुरिया विद्रोह के नाम से जानते हैं, ये विकल्प के आधार पर बनने वाला प्रश्न है, ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे 15 नंबर प्रश्न, वर्ष 1867 में इनमें से किसे बस्तर राज्य का दीवान नियुक्त किया गया था जो जनजाति शोषण के लिए कुख्यात है, ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं मुरिया विद्रोह में, ठीक है, तो 1867 में दीवान नियुक्त किया गया था गोपीनाथ कपड़दार को, ठीक, और इनकी शोषण ऑटोक्रेसी नीति पॉलिसी कारण इन्हीं के खिलाफ 1876 में, ठीक, मुड़िया विद्रोह हुआ था, लेकिन इनकी नियुक्ति 1867 में हुआ था, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमकाल के नेता कौन थे, गुंडाधर या गुंडाधुर, 1910 में हुआ था रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में। उसके बाद लूटपाट और शोषण से मुक्त दुनिया की स्थापना के उद्देश्य से अबुझ माड़ियों के समर्थित विद्रोह का नाम क्या था, तो विद्रोह परलकोट विद्रोह, ठीक है, गेंद सिंह नेतृत्व में यह विद्रोह चला था। उसके बाद देखेंगे 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन 1910 में हुए बस्तर के आदिवासी विद्रोह के नेता थे, ठीक है, तो लाला कालेंद्र सिंह थे और रानी स्वर्ण कुंवर भी थी, ठीक है, लाला कालेंद्र सिंह के जगह में बैजनाथ पांडा को उन्होंने दीवान बनाया था, ठीक है, उसके बाद रानी स्वर्ण कुंवर, ठीक, इन दोनों ने इस विद्रोह का नेतृत्व गुंडाधुर को दिया था, ठीक है, और ये कुंवर बहादुर सिंह भी थी, तो उपरोक्त सभी, पीएससी और व्यापम में मैक्सिमम केसेस में ध्यान रखेंगे उपरोक्त सभी उसका आंसर होता है, ध्यान रखना पड़ेगा इसको, ठीक है, मैक्सिमम केसेस में सभी में नहीं बोल रहा हूँ जी, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, बस्तर में सन 1910 का आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था, तो ये पुष्पाल बाजार को लूट कर यह आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, 1910 ईस्वी में आदिवासी विद्रोह के समय इस राज्य स्थित बस्तर जागीर राज्य का दीवान निम्नलिखित में से कौन था, इसका आंसर है वैजनाथ पांडा, ठीक है, इन्होंने लाला कालेंद्र नाथ के स्थान पर वैजनाथ पांडा को नियुक्त किया था, ठीक है।
उसके बाद 21 नंबर वर्ष 1910 का बस्तर विद्रोह अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसे भूमकाल विद्रोह के नाम से जानते हैं, पढ़ चुके हैं 1910 में हुआ था। उसके बाद सुमेलित करने के लिए मैक्सिमम जो प्रश्न होते हैं इसी प्रकार के आते हैं। तारापुर का विद्रोह कब हुआ था, 1842 से 1854 तक, तो ए का देख लीजिए तीन, ए का तीन, या तो सी होगा या तो डी होगा, ठीक है। हलवा विद्रोह कब हुआ था, 1774 से लेकर 77 तक, तो बी का एक, ठीक है, तय होगा कि डी आंसर होगा, ठीक है। आगे मिला लेते हैं, नेरिया विद्रोह कब हुआ था, 1842 से लेकर 1863, सी का चार, परलकोट का 1824 से लेकर 25, डी का दो, ठीक है, इसका आंसर जाएंगे डी। इस प्रकार से मिला देखिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश काल का जनजाति विद्रोह एवं उसका नेता सुमेलित है बोल रहा है, ठीक है। देखते हैं बस्तर का कोई विद्रोह, ठीक है, बस्तर का कोई विद्रोह, वर्ष सही है लेकिन इसका नेतृत्व करता था नांगुल दोरला, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे मुरिया विद्रोह 1876 में हुआ था, ठीक है, इसका नेतृत्व करता था झाड़ा सिरहा, सही है ये। उसके बाद भूमकाल विद्रोह 1910 में हुआ था, इसका नेतृत्व करता था गुंडाधुर, ठीक है, गलत है ये। उसके बाद सरगुजा का उराव विद्रोह, ठीक है, ये रामानुज प्रताप सिंह देव ने किया था, गलत है ये। उसके बाद कोरिया का गोड़ विद्रोह उन्हें किया था, ये भी गलत है, तो विकल्प के आधार पर भी सही है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के जनजाति विद्रोह और नेता सुमेलित हैं, भोपालपट्टनम का संघर्ष, ठीक है, सुमेलित नहीं है ये। उसके बाद देखेंगे लिंगागिरी विद्रोह, ठीक, दलगंजन सिंह, ये गलत है, ठीक, ध्रुवाराम माड़िया था इसके स्थान पर। कोई विद्रोह जुग्गा दोरला, ये गलत, इसके स्थान पर क्या जाएंगे, नांगुल दोरला हो जाएगा। मुड़िया विद्रोह झाड़ा सिरा सही है। बस्तर का विद्रोह 1910, ठीक है, ये गलत है, यहाँ पर जाएगा गुंडाधुर, ठीक है। नेक्स्ट 25 नंबर, नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर, सूची एक सूची दो सम्मिलित कीजिए। सूची एक में 1820 से 1845 तक जनजाति विद्रोह और सूची दो में है नेता का नाम, ठीक है, चलिए देखते हैं सम्मिलित करने के लिए आया है। परलकोट विद्रोह, परलकोट विद्रोह का नेतृत्व करता थे गेंद सिंह, ठीक है। उसके बाद बरगढ़ के विद्रोह अजीत सिंह था, तारापुर के विद्रोह दलगंजन सिंह था, मेडिया विद्रोह जाएंगे हिड़मा मांझी, ठीक है, अब मिलाते जाओ। परलकोट का जाएंगे चार, एक हो गया चार, तो इसका आंसर एक ही बार मन गए सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में आदिवासी विद्रोह एवं उनके नेता सम्मिलित नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं है बोल रहा है, देखते जाओ। परलकोट में गेंद से सम्मिलित है, तारापुर में दलगंजन से सम्मिलित है, मेडिया विद्रोह हिड़मा जी सम्मिलित है, कोई विद्रोह जाएंगे नांगुल दोरला, ठीक, ये सम्मिलित नहीं है। उसके बाद बस्तर विद्रोह 1910 में गुंडाधुर सम्मिलित है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के आदिवासी विद्रोह उनके नेता सम्मिलित हैं, ठीक है, तो पहला हो जाएंगे 1876 में माड़िया विद्रोह, ठीक, मुड़िया विद्रोह ना देखता, तो मुड़िया विद्रोह का नेतृत्व करता कौन, झाड़ा सिरहा। 1910 में भूमकाल में कौन थे, गुंडाधुर सम्मिलित है ये, ठीक है, बाकी दोनों को छोड़ दो, इसका आंसर जाएंगे बी। नेक्स्ट देखेंगे 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी इस राज्य में जनजाति विद्रोह एवं वर्ष सम्मिलित है, ठीक है, देखते हैं। तारापुर विद्रोह 1842 से 54 तक हुआ, तो यही सम्मिलित है, ठीक। कोई विद्रोह कब हुआ है जी, ये हुआ है 1859 में, ठीक है। मुड़िया विद्रोह हुआ है 1876 में, ठीक। हलवा विद्रोह हुआ है 1774 से लेकर 77 के दौरान, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे भोपालपट्टनम संघर्ष कब हुआ था, 1795 में, ठीक, मिस्टर ब्लंट के आगमन के खिलाफ यह आंदोलन चला था। उसके बाद देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन है, परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को कब फांसी दी गई, यार भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा था, तो आंसर है 20 जनवरी 1825 को उनके फांसी दी गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्रमांक 31, बस्तर में 1910 भूमकाल विद्रोह में कौन सी रानी शामिल हुई थी, ठीक, तो रानी स्वर्णकौर हुई थी, याद रखना,
ठीक है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, यदि आपको फैक्ट याद रहेगा तो बढ़िया बनेगा। अब आप देख सकते हैं कि विकल्प में थोड़ा बहुत एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे पद्म कुंवर नहीं हो सकता, राजकुंवर नहीं हो सकता, सुनैना देवी नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो याद रखना बी है, ठीक है। इसी प्रकार हम देखेंगे प्रलकुंड विद्रोह, तो ये फैक्ट है, फैक्ट में आप कुछ विश्लेषण नहीं कर सकते, सीधा सीधा इसमें आंसर लेना होता है, ठीक है, बन जाएंगे।